अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूँगी बिना सोया सॉस की फ्राइड राइस की रेसिपी। इसके लिए हमने 3 अदद टमाटर लिए हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, 1 अदद सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे और 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। इसको अब हम मिक्सचर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। एक फ्राइंग पैन लेके उसके अंदर हम इस मिक्सचर को ऐड करके इसको 1 से 2 मिनट पकाएंगे। अच्छे कलर के लिए हम इसमें हल्दी या फूड कलर ऐड कर देंगे। हमारा सॉस अब रेडी है। अब हम 2 अंडे लेंगे और उनको अच्छी तरह फेंट लेंगे। इनको अब हम फ्राइंग पैन में ऐड करके इनको अच्छी तरह पका लेंगे। अब हम फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और चिकन को फ्राई करेंगे। 1 kg राइस के लिए हमने 500 ग्राम चिकन ले लिया है और उनको हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। चिकन को हम 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें हमारी कटी हुई वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। इनको भी हम कुछ देर पकाएंगे। कैबेज को हम लास्ट में डालेंगे वरना वो सॉफ्ट हो जाएगी।
इसको हम सिर्फ एक मिनट के लिए पकाएंगे। राइस हमने पहले से उबाल लिए थे ताकि फ्राइड राइस का रिजल्ट अच्छा आए। अब हम चिकन और वेजिटेबल के मिक्सचर को राइस पर ऐड करेंगे और जो हमने अंडा तैयार किया था उसको भी। मैं ये बताना भूल गई, लेकिन जब आपके चिकन और आपके वेजिटेबल रेडी हो जाएं तो आप उसमें अपने सॉस ऐड कर सकते हैं। अब हम इन्हें मिक्स कर लेंगे। हमारी यम्मी फ्राइड राइस रेडी है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको मिलूंगी मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।